बैक टू माई अनदर व्लॉग। और जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको व्लॉग्स अब मिलेंगे बिकॉज फेस्टिवल वगैरह आ रहा है, एंड जैसे कि अभी दिवाली आ रही है, आपको भी पता होगा, आपके घर में भी तैयारी चल रही होंगी, तो मेरे घर में भी तैयारियां चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक इसका व्लॉग बना दिया जाए। दादी फूल और पापा बैठे हुए हैं धूप में, ठंड पता नहीं इतनी ठंड आ गई पापा के लिए, मैं तो छांव में बैठी हुई हूँ, पसीना आ रहा है, तब भी धूप में बैठे हुए हो और चाय पी रहे हो धूप में बैठे बैठे। दादी फूल कब निकालोगी? कल नहीं, अभी निकालने हैं, अभी लगा के जा रही हूँ मैं, कल निकाल दूंगी, कल सवेरे मेरे को आप वो हो रहा। हम मदद करेंगे ना आयुष और मैं। आयुष के नेल कट रहे हैं क्योंकि आयुष के बहुत बड़े नेल्स हैं। लड़ी यहाँ लग रही है, लड़ियाँ इतनी लग चुकी हैं और यहाँ पे भी कुछ लग गई हैं, दिखेंगी नहीं आपको बाहर की साइड से। क्या हो गया तेरे को, क्यों छींके मार रहा है? यहाँ की भी आई गेस। अब इसके बाद एक और लड़ी बची है, वो लगानी है बस, बाकी सब लग चुकी हैं। ये एक जा रही है नीचे, अगर हो सका तो हम आपको बाहर की साइड से भी दिखाएंगे कि कैसा लगेगा, और रात को चेक करेंगे कि लड़ियाँ कैसी लगी हैं। सो मिलेंगे आपको थोड़ी देर बाद। मैं जा रही हूँ नीचे खाना खाने बिकॉज मेरे को भी ट्यूशन भी जाना, मैं लेट हो रही हूँ, एक घंटा बचा है बस मेरे पास, तो मैं नीचे जाके दिखाती हूँ नीचे कैसे दिख रही है नीचे गेट से। अभी मैं गली में चेक करने जा रही हूँ कि ऊपर नीचे हुई इतनी हुई। ये मेरी जैकेट है अपनी, मेरी जैकेट देने के देना, पागल परेशान कर रखा है इसने मेरे को। नहीं ले जा रही मैं तेरी लिए, नहीं ले जा रही। अरे हम नीचे चलते हैं, नीचे जाके दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है नीचे से। नीचे से कुछ ऐसी दिख रही है, अभी तो चमकी हुई आपको दिखाई दे नहीं रही होंगी, और वो रहे पापा ऊपर लड़ियाँ लगा रहे हैं। अच्छी लग रही है ना नीचे से देखने में, बस ये वाली कुछ ज़्यादा नीचे है, यहाँ पे ही लटक रही है एक, वो कितनी प्यारी लग रही है, लाइटें जल रही हैं और अच्छी लगती है। लेट्स गो, अब ऊपर जाके खाना खाते हैं। बनाए हैं चावल, वैसे दोपहर में ज़्यादातर चावल बनता है, इसमें देखते हैं इसमें क्या बना है। दाल, तो ये है दाल जो मम्मी ने बनाई है, हम खाते हैं जल्दी, बहुत तेज़ भूख लग रही है मेरे को तो। नेक्स्ट डे आज, एंड जैसे आपको बताया था कि आज फ्लावर्स वगैरह लगाएंगे हम। लड़ी हमने कल लगा दी थी, कल जलाई भी थी, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वो आपने ठीक कर दी थी। आज दिखाऊंगी शाम को ये कैसी लगती है, एंड अभी अंदर से हमने ये जो बक्सा दिख रहा है इसमें से अभी फ्लावर्स निकालने हैं, निकालेंगे अब, देखते बहुत सारा सामान है वो निकालने में हवा टाइट हो जाएगी, उसे अब निकाल के लगाना भी है तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो लेट्स सी, पापा आ रहे हैं, पापा मदद करेंगे, मैं तो नहीं निकाल पाऊँगी, मैं सामान रखूँगी बस। पापा आ गए, नहीं अब सामान निकालते हैं। पापा ने बाल कटा लिए दिवाली की तैयारी में, दिखाना पापा ने बाल, इसे पापा ने बाहर से कटाए, मैंने कहा मैं नहीं काट रही यार, त्योहार है मैं काट दूंगी, कुछ गलत वलत हाथ लग गया तो। सारा सामान निकाला है और अब बारी है फूल निकालने की। इसमें ज़्यादातर हमारी रजाइयाँ पड़ी हैं, तो रजाइयाँ तो अभी निकालनी नहीं है, अभी तो इतनी ठंड आई नहीं है, सिर्फ फूल निकालने हैं। फूल ये रहे ते बड़े, कौन क्या कहते हैं इस पन्नी को, 5 किलो की पन्नी ना, जंबो पन्नी भर के फूल है हमारे घर में। जब ये निकाल के लगाएंगे तब आपको पता चलेगा ये फूल कैसे हैं, ये हैंडमेड फूल हैं हमने बनाए हैं। सो ये देखो अपने लड़ियाँ जो लगाई थी वो चालू भी कर दी हैं, अभी थोड़ी रोशनी है, नीचे गली में अंधेरा हो चुका है तब नीचे से दिखेंगी ज़्यादा अच्छी, पापा ने नीचे से भी दिखाई दी है, एंड अभी तो रोशनी हो रही है बहुत ज़्यादा,
एंड अब ये फ्लावर्स हैं, इन्हें नीचे लेके मैंने जाना है, तो लेके चलते हैं इसको नीचे। तो फिर चलते हैं नीचे, जाके इसको लगाना भी है मैंने, क्यों पापा तो लगाएंगे नहीं, इतना ईजी होता है इनको, तो सिर्फ टंगाना है ऊपर, नीचे जाके नहीं, ऊपर मैं ऊपर कह रही हूँ, नीचे जाने। तो अब लेट्स गो डाउन स्टेयर्स। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हम फ्लावर्स लगाने नीचे आए थे, बट फ्लावर्स अभी लगाए नहीं है। एंड अभी मामा आ रखे थे, जब ये फ़ोन बंद पड़ा था मैंने ओपन नहीं करा, क्योंकि मामा ऐसे आए और ऐसे चले गए जल्दी जल्दी, क्योंकि मामा एक डेढ़ घंटा ही रुके हैं। एंड मामा का सामान दिखा दी, मामा क्या क्या लाए, कुछ नहीं करना है ऐसे, ये बुकड़िया में बैठ के सब टेस्ट कर रहा है। मैं मामा को फ्रंट कैमरे बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि मामा क्या क्या लाए। तो ये रे केले, इसमें तो खाली कटोरी है, ये है बालूशाही और ये है लड्डू, और दादी ऊन बुनते हुए, और ये सारा स्वेटर है, ये स्वेटर बुन रही है दादी। ठीक है भाई, ठीक है। और अब आयुष काम पे लगेगा, फूल लगाएगा, है ना, ठीक है, इसी फोन पे क्यों फूल लगाने हैं, दीवारों पे, वहाँ पे चौखटों पे लगाने हैं। तो हमारी दिवाली की दूसरी मिठाई आ चुकी है, पहली मिठाई मम्मी के बर्थडे के दिन आ चुकी थी बड़ी मौसी की तरफ से, और ये दूसरी मिठाई आ चुकी है। मुँह में पानी आ रहा है, मेरे भी आ रहा है, मैंने अभी टेस्ट नहीं करा, मैंने ये टेस्ट नहीं करा, अकेले टेस्ट नहीं करा, मैंने सिर्फ लड्डू खाए, और इस पे जो था वो नहीं खाया, नमकीन स्वीट्स। अरे हाँ, कौन सी स्वीट्स है, हीरा स्वीट्स है, ब्रांड अच्छा वाला ब्रांड, वो कर दिया क्या प्रमोशन, प्रमोशन कौन कर रहा है, क्वालिटी वाली चीज़ दिखा रहे हम तो। दादी हैव इट, दादी पूरा फोकस में अपनी स्वेटर बुनते हुए, आवाज कर रहा हूँ मैं। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि कल हम फ्लावर्स लगाने वाले थे, बट लगाए नहीं था, बिकॉज आपको पता है मैं कितनी बिजी रहती हूँ, 3 दिन हो गए इस व्लॉग, ये व्लॉग एंड नहीं हो रहा है। एंड आज मैंने फ्लावर्स लगाने का डिसाइड कर दिया है, वहाँ पे आयुषी क्लास लग रही है एंड घर पे भी कोई नहीं, तो मैं फ्लावर्स जल्दी जल्दी लगा देती हूँ और इस व्लॉग को जल्दी से ख़त्म करते हैं, बिकॉज मेरे को और भी व्लॉग्स चालू करने हैं। तो लेट्स गो एंड इन फ्लावर्स को जल्दी से लगाते हैं, लेट्स गो। इस फ़ोन से ना आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने इस माइक खरीद लिया, पापा ने खरीद के लाए थे पापा, तो ये माइक भी लेट्स सी इसकी क्वालिटी पता चल जाएगी आपको। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अब मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, क्योंकि शुरू में तो पापा के फ़ोन से बनाई थी, पापा का फ़ोन बहुत अच्छा है, अभी तो नया नया है। तो लेट्स गो, फ्लावर्स लगाते हैं पहले जल्दी से, फिर बात करते हैं आराम से। सबने जैसे भी देखा, मैंने सारे फ्लावर्स लगा दिए हैं एंड अभी फाइनली देखती हूँ कि कैसे कैसे लगाए हैं, बस अब थोड़ी नीचे गंदगी होगी है, वो मुझे झाड़ू लगानी पड़ेगी। एंड मैं दिखाती हूँ फ्लावर्स कैसे लगे हैं, आपको पीछे दिख के होंगे, तो लेट्स सी कैसे लगे हैं, आपको दिखाती हूँ। क्लास चल रही है, जैसे अभी आपने देखा उसकी डांट पड़ रही है, टीचर बहुत डांट रही है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, ऑनलाइन क्लास में बच्चों को क्या ईजी आएगा, 6th क्लास में बच्चों को रीडिंग तक नहीं आती, होता है। एंड अब इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, जरूर नीचे कमेंट करके बताना मेरी दिवाली की डेकोरेशन आपको कैसी लगी, एंड बहुत मेहनत करी है यार, इतनी आसानी से नहीं लग गया, फूल्स लगाए इतनी मुश्किल से, और अब झाड़ू लगाना है, तो बहुत सारा काम है आज, और बहुत बिजी है। इस व्लॉग को एडिट करने आज 4 बजे डालना भी है, आज ही डालना है। एंड आज धनतेरस है, मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपको हैप्पी धनतेरस। तो आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने अपने घर में कैसे सजाया, क्या किया।
तो आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।